जिंगल बेल्स बज रहे हैं, साल खत्म हो रहा है, पर उससे पहले 25 दिसंबर क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है। क्रिसमस ट्री लाएंगे, उसे सजाएंगे, ऊंची डाली पर तारा लगाएंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे, सांता याद करेंगे, तोहफे लाएंगे, हाथ मिलाएंगे। क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है। क्रिसमस प्यार का उत्सव है, जादू कर देता है, मन को छू लेता है, प्यार से भर देता है। जिंगल बेल्स बज रहे हैं, साल खत्म हो रहा है, और इससे पहले 25 दिसंबर क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है। भारत में जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, कुछ ही समय के बाद एक योगी, एक ऋषि जो कि हिमालय पर तपस्या कर रहा था, वो वहां से चलकर नीचे उतरा और उस स्थान पर, उस महल में आया जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और बुद्ध के पिता से उसने कहा, उसका नाम असीत ऋषि था, उसने कहा कि मैंने एक शुभ्र तारा देखा, जैसे कि कोई महान आत्मा ने यहां जन्म लिया है और मैं यहां पहुंचा हूं। मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूं जो आपके यहां आया है। और उसके पिता शुद्धोधन, वो उस ऋषि को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि इसे कैसे पता चला, और वो उस बच्चे को दिखाते हैं। और जैसे ही उस बच्चे को ऋषि देखता है, वो रोने लगता है, आंसू आते हैं, और उस बच्चे के चरण को छूता है। पिता पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, इसमें शोक की क्या बात है, अशुभ क्या है? वो कहता है, मैं अशुभ के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये व्यक्ति, ये बच्चा जो है, ये एक बहुत महान योगी बनने वाला है, बुद्धत्व को उपलब्ध होने वाला है, और मुझे दुख इस बात का है कि मेरी मृत्यु नजदीक है और मैं इनका सानिध्य नहीं पा सकूंगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो जैसे बुद्ध के लिए दिखाया है कि उस ऋषि ने वहां बैठकर देखा, उसी तरह ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट के लिए कहा जाता है कि जब उसका जन्म हुआ, उस
गुड़साल उस टेबल जहां पर पशु थे पशुशाला में, तीन लोग पूरब से शायद भारत से निकल पड़े किसी एक शुभ्र तारा जो उनको आकाश में दिखा, और उस तारे के पीछे पीछे होते 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 वो बेथलेहम में पहुंच गए जहां पर यीशु क्रिस्त का जन्म हुआ था। और वहां का जो राजा था वो उससे मिले और उन्होंने कहा कि आपके देश में आपके शहर में एक सम्राट का जन्म हुआ है, किंग अमंग मेन, और हम उसको मिलने आए, उसको देखने आए हैं। वो जो राजा था जैसे ही उसने सुना कि मेरे होते हुए कोई दूसरा सम्राट, पर वो बताता नहीं है, हेरोड जिसका नाम था, तो वो कहता है ठीक है आप उसको ढूंढो और जैसे ही पता चल जाए हमें आके बताना। तो वो तीन व्यक्ति ढूंढने निकल पड़ते हैं क्योंकि सबसे पहले वो उस राजा से ही मिलते हैं और फिर उस शहर में ढूंढने निकलते हैं और फिर एक पशुशाला में पाते हैं कि वो थार वो जो ऊपर तारा है वहां आके रुक गया और वो मरियम से मिलते हैं और उस बच्चे को देखते हैं, उसके चरण छूते हैं और फिर अब वापस जा रही होते हैं वापस उस राजा को बताने। तो सोचते दूसरे दिन बताएंगे और रात में उन तीनों को स्वप्न आता है कि ये बात राजा को नहीं बताना और वो दूसरे दिन कहते हैं उस मरियम और उसके पति से कि तुम इस बच्चे को लेकर चले जाओ यहां से, इजिप्ट में, यहां नहीं रहो। तो ऐसी कहानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बारे में है। क्राइस्ट और कृष्ण एक जैसी राशि है। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कहां हुआ? कारागार में। जब क्राइस्ट का जन्म हुआ तो पशुशाला में। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब राजा कंस था, जब क्राइस्ट का जन्म हुआ तब राजा हेरोड था। जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन सभी बच्चों को मार दिया गया, जिस दिन क्राइस्ट का जन्म हुआ 2 मास के अंदर जितने बच्चे का जन्म हुआ था राजा ने सबको मार दिया, कृष्ण को ट्रांसफर कर दिया गया जेल से उधर गोकुल। इधर इसका जन्म हुआ बेथलेहम, वहां से जेरूसलम नजरत। दोनों के जीवन कहानी में दिखाते हैं बहुत अंतर है, समानता है। तो ये जो जन्म दिखाया है जीसस का और फिर उसने अपने जीवन कार्य में जो कुछ किया, जो कुछ सहन किया और जो कुछ चमत्कार भी दिखाए और उसके नाम से एक बहुत बड़ा धर्म की जो स्थापना हुई, क्रिसमस उसकी यादगार है उसके जन्म की। और क्रिश्चियन धर्म की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे ज्ञान से बहुत मिलती है। और क्रिश्चियनिटी में दो शास्त्र है, बाइबल के दो भाग, एक है पुराना करार एक है नया करार, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। पुराना करार जो है उसमें जीसस क्राइस्ट के जीवन के पहले की सारी बातें, सृष्टि के का जन्म कैसे हुआ, सृष्टि में क्या क्या हुआ, आदम ईव और वो सारा। न्यू टेस्टामेंट जो है नया करार उसमें जीसस क्राइस्ट के जीवन की कहानी है कि उसका जन्म कैसे हुआ और आगे उसने क्या क्या किया, उसकी जीवन लीला का वर्णन न्यू टेस्टामेंट नया करार में। तो ये जो नया करार है उसके भी 4 लेखक है और जो कि बहुत बाद में लिखे गए ये सारी चीजें, एक है ल्यूक, एक है मार्क, एक है मैथ्यू, एक है जॉन। सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला जो है वो जॉन है। परंतु आज की क्लास में हम कुछ ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो मैथ्यू का चैप्टर है उसमें 4 लेखकों के 4 अलग अलग वृत्तांत है बाइबल में। चारों ने अपने अपने ढंग से कहानी लिखी है जीसस क्राइस्ट की, पर जो मैथ्यू का है उसमें जीसस क्राइस्ट को दिखाया है एक पहाड़ी पर गया और वहां पर उसने जो मूलभूत शिक्षाएं है
क्रिश्चियन धर्म की वो थी उस पहाड़ी में, उसको कहा जाता है सर्मन ऑन द माउंट। जगदीश भाई जी ने अपनी किताब में कंपेयर किया है कि जीसस क्राइस्ट ने जो सर्मन, जो भाषण दिया माउंट में, सेनाई में, और शिव पिता परमात्मा ने माउंट अबू में जो भाषण दिया, उनमें क्या समानता है। तो ये जो भाषण है सबसे लंबा भाषण है जीसस क्राइस्ट का, जो केवल मैथ्यू में आता है, और वो टोटल 109 क्या कहेंगे वर्स, श्लोक, लाइन, वाक्य है, और 3 चैप्टर्स में वो विभाजित है, जिसमें पहला टोटल मैथ्यू के 28 चैप्टर है, उसमें 5, 6 और 7, ये 3 चैप्टर है, 5, 6 एंड 7, उसमें 5वें चैप्टर में 47 वर्सेस, 6 चैप्टर में 34 और 7 चैप्टर में 27, ऐसे 109। तो ये जो क्रिश्चियनिटी की मूलभूत शिक्षाएं है वो इन 109 में आ जाती है पूरी। और एक एक चीज, कुछ कुछ बातें तो ऐसी है जो हमारे गीतों में आई है, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा धन होगा, ये सीधा सीधा बाइबल से उठाया हुआ है। वेयर देयर इज योर ट्रेजर योर हार्ट शैल बी देयर, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि इस में आती है। अब दूसरी बात, ये जो गीत हमने सुना अभी अभी, जिंगल बेल जिंगल बेल, इस गीत का क्या अर्थ है, और उसके बाद में आज वैसे तो 30 तारीख है, ये क्लास 25 को लेना था पर नहीं ले पाए किसी कारण से, तो इस क्लास को हम 16 भागों में विभाजित करेंगे, और ये जो 109 शिक्षाएं हैं इसको पूरा ज्ञान सहित इनका क्या अर्थ है उस आधार से लेंगे। पहला भाग आज लेंगे, दूसरा भाग 19 तारीख को लेंगे, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक अव्यक्त मास के पुरुषार्थ की कुछ दूसरी प्लानिंग है, वो करेंगे, तो आज केवल पहला भाग लेंगे। तो ये जो गीत हमने अभी सुना, जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वेज, जिंगल अर्थात वो जो घंटी होती है ना, उसकी आवाज, उस घंटी की आवाज। ओ व्हाट फन इट इज टू राइड इन वन हॉर्स ओपन स्ले, कितना आनंद है, कितनी खुशी है उसमें, वो जो सांता क्लॉस है वो दिखाया है एक बग्गी में बैठा हुआ है, और वो जो गाड़ी है बर्फ पर चलने वाली गाड़ी है जिसमें एक ही घोड़ा है, वन हॉर्स ओपन स्ले, स्ले अर्थात गाड़ी, SLEIGH, एक घोड़े की जो गाड़ी है जो सांता क्लॉस चला रहा है, और पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, और वो बच्चों को बड़ा आनंद आता है। ओ वन व्हाट फन इट इज टू राइड इन वन हॉर्स ओपन स्ले, एक घोड़े वाली गाड़ी जो सांता क्लॉस चला रहा है और जिसकी ये टोपी है, और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ओ व्हाट फन इट इज टू राइड इन वन हॉर्स ओपन स्ले, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, ओ व्हाट फन इट इज टू राइड इन वन हॉर्स ओपन स्ले, डैशिंग थ्रू द स्नो, स्नो से जा रही है वो गाड़ी बर्फ से, इन वन हॉर्स ओपन स्ले और फील्ड्स वी गो लाफिंग ऑल द वे, इसमें एंजॉयमेंट दिखाया है, जैसे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, मसीहा का जन्म हुआ, जिसकी भविष्यवाणी पुराने करार में थी कि एक मसीहा आएगा और वो मसीह ऐसे ऐसे करेगा, उसकी ये निशानी होगी, वो ऐसे ऐसे बोलेगा, और जीसस क्राइस्ट वो सब कुछ कहता है। एक जगह लोग उसका विरोध कर रहे हैं, वो खड़ा हुआ है और वो कहता है बिफोर इब्राहिम वॉज आई एम, तो लोग सब अपने हाथों में पत्थर ले लेते उसको मारने के लिए, तुम ये कैसे कह सकते, तुम अभी भी आए हो, तुम्हारी उम्र 30 साल की भी नहीं है, और तुम कहते हो इब्राहिम से भी पहले मैं था, ऐसे बहुत सारे वाक्य है, बिफोर इब्राहिम आई एम। तो ये जो गीत है इसका बड़ा ही सूक्ष्म और अच्छा एक अर्थ है। सबसे पहले तो ये जो गाड़ी है ये हमारा जीवन है, और ये जो सांता है ये शिव बाबा है, और वो जो घोड़ा है वो ब्रह्मा है, और जो पीछे बच्चे बैठे हैं वो हम हैं, और हम निकल पड़े हैं, हमारे जीवन रूपी रथ का सारथी स्वयं परमात्मा है, जो किसमें सवार है, उस ब्रह्मा रूपी घोड़े में सवार, और हम कहां बैठे हैं, पीछे, और क्या कर रहे, ओ व्हाट फन इट इज टू राइड इन वन हॉर्स ओपन स्ले, डैशिंग थ्रू द स्नो,
मेकिंग स्पिरिट ब्राइट, बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, भगवान जिस गाड़ी को चला रहा है, भगवान जिस रथ को चला रहा है, वो स्ले, वो गाड़ी, वो रथ, जहां रथवान स्वयं परमात्मा है, उसमें बैठ कर जाना बड़ा ही आनंद है। तो ऐसे इस गीत का अर्थ है क्रिसमस कैरोल, और जो कि क्रिसमस में सब जगह गाते हैं और नया साल भी मनाते हैं, क्योंकि नया जीवन वो देने आए। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, उसने कहा है कि मैं इस संसार का प्रकाश हूं। ही दैट फॉलोएथ मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा, क्योंकि आई हैव कम फ्रॉम माय फादर। ऐसा एकमात्र यहां धर्म है जहां पर वो कहता है कि मैं बच्चा हूं और वो मेरा पिता है, मेरे पिता ने मुझे भेजा है, उसकी आज्ञा से मैं आया हूं, मैं तुम सबको उसका परिचय देने आया हूं। माय फादर दैट आर्ट इन हेवन, वो मेरा पिता, उसने मुझे भेजा है। मैं जो कुछ कह रहा हूं अपना, मेरा कुछ भी नहीं है, वो सब उसका है, उसने मुझे भेजा है। आई कम टू टेस्टिफाई माई फादर दैट सेंट मी हियर। तो हम बात कर रहे थे मैथ्यू और क्रिश्चियनिटी की सारी जो शिक्षाएं हैं मूलभूत, वो मैथ्यू के चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में आती है। टोटल 109 वाक्य है, तो वो 109 वाक्य हम 16 भागों में देखेंगे, पहला भाग आज और बाकी 15 भाग 19 तारीख से। तो 15 दिन और चलेगा, आज पार्ट वन है। तो क्या है इसमें, तो ये जो चैप्टर 5 है इसके शुरुआत में दिखाया है जीसस क्राइस्ट, एंड सीइंग द मल्टीट्यूड्स ही वेंट अप टू अ माउंटेन एंड व्हेन ही वाज सेट हिज डिसाइपल केम अनटू हिम। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और बैठ गया, उसके जो साथी थे, शिष्य थे, वो भी वहां आकर बैठ गए। ये उसकी भूमिका है कि कैसे इसने इस, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे शिव बाबा, गॉड शिवा ऑन माउंट अबू ऑन जीसस क्राइस्ट ऑन माउंट सिनाय, उसने उस पर्वत पर बैठकर क्या सुनाया और शिव बाबा ने इस पर्वत पर बैठकर क्या सुनाया, इन दोनों का कंपैरिजन। एंड ही ओपन्ड हिज माउथ एंड टॉट देम सेइंग, फिर वो बोल उठा, फिर ईसा मसीह बोल उठा, और सबसे पहले उसने क्या कहा, ब्लेसेड आर द प्योर इन स्पिरिट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन, धन्य भागी है वो जो गरीब है, स्वर्ग का राज्य उनका होगा। धन्य भागी है जो नम्र है, जिसमें अहंकार नहीं, स्वर्ग का राज्य उनका होगा। यह सबसे पहला वाक्य है। यहां के गरीब क्या बन जाएंगे उधर, साहूकार, और यहां के साहूकार गरीब। ये है गॉड शिवा ऑन माउंट अबू, और वो उधर क्या कहता है, ब्लेसड आर द प्योर इन हार्ट, ब्लेसड आर द प्योर प्योर पुअर इन स्पिरिट फॉर दे शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य उनका होगा। क्योंकि जिन जो धनवान है, उसके जीवन में दिखा है, एक बहुत धनवान व्यक्ति उसके पास आता है, कहता है कि मुझे भी तुम्हारे पीछे आना है। तो जीसस क्राइस्ट कहता है, अच्छा तो पहले एक काम करो, तुम्हारे पास जितना पैसा है जाओ, जाकर गरीबों में बांट दो और फिर मेरे पीछे आना। इतनी बड़ी बात बोल दी तो थोड़ा सा घबराता है और भाग जाता है फिर बहाना बना के। तब एक वाक्य है बाइबल में, इट इज इजी फॉर एन कैमल टू पास थ्रू अ आई ऑफ एन एलिमेंट देन अ रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। एक ऊंट सुई की नोक से गुजर सकता है, परंतु धनवान व्यक्ति स्वर्ग में नहीं आ सकता, क्योंकि अहंकार उससे जुड़ा हुआ है, अभिमान उससे जुड़ा हुआ है। बाबा कौन है, गरीब निवास। जो गरीब बच्चे वो मुझे पहचानते हैं। आज की मुरली में 3 लोगों को बाबा ने याद किया, जो अति व्यस्त है, जो तंदुरुस्त नहीं है, और जो अनपढ़ है। वो भी बिंदु को जान सकते हो, तुम नहीं जान सकते, मुरली पूरी बिंदु पर है। जो अति व्यस्त है, जो तंदुरुस्त नहीं है, बीमार, और जो अनपढ़ है, वो भी मुझे जान सकते हैं, वो भी बिंदु को जान सकते हैं। बिंदु को जानो, बिंदु के हिसाब को जानो, बिंदु को पहचानो, बिंदु समझो, बिंदु बाप को याद करो, बिंदु को देखो। ये बिंदु ही महत्वशाली है, नया शब्द प्रयोग किया है सुबह की अव्यक्तवाणी।
इसी बिंदु को जानो और फिर इसके फायदे बताए, इसकी विधि बताई। Blessed are the pure in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। तो ग्रीड के ऊपर कहा हुआ है और नम्रता के लिए भी ये बात है। दूसरा है, Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक करते हैं अर्थात पश्चाताप करते हैं, शोक करते हैं अर्थात दुख करते हैं कि हमने आज तक जो पाप किए उसका पश्चाताप, जब तक नहीं तब तक शांति भी नहीं मिल सकती। आज की अव्यक्त वाणी, बाबा ने कहा वो जो मतलब से याद करते हैं बाप को, बिंदु को, उनकी भी निशानियां सुनाई है। मतलब से याद करने वाले उनको क्या क्या होता है, और संसार की भी निशानियां सुनाई। संसार के लोग टेंशन में, खिंचातान में है, इसलिए दुखी है, अशांत है, और तुम शांति पाते हो। वो टेंशन में है और किस में है, खिंचातान में, इसलिए अशांत है। यहां पर जीसस क्राइस्ट कह रहा है, ब्लेसेड आर दे दैट मॉर्न, धन्य भागी है वो जो अभी पश्चाताप कर लेते, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड, स्वर्ग का राज्य उसी, बस वो जो कॉर्नर है उसके बाजू में ही है, एकदम नजदीक है। उस राज्य को पाओ, उस राज्य को समझो। इसके लिए अब तक जो कुछ किया है, साल खत्म हो रहा है, इस पूरे साल में जो कुछ गलतियां की है उसको क्या करना है, याद करना, पश्चाताप करना, मिटाना, और फिर प्रतिज्ञा करना कि फिर से ये ना हो। अभी अभी बहन जो बैठे थे विदेश की, सुना रहे थे, यदि हम किसी के विषय में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो वो भी उसके साथ एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। मुझे इनकी देखभाल करनी है, कौन मुझे, कहां का मैं। सुबह की अव्यक्त वाणी, निमित्त भाव, साक्षी भाव, चार चीजों से न्यारे हो जाओ। चार चीजें तुम्हारी नहीं है, देह, संस्कार, स्वभाव, मन का झुकाव, ये चार चीजें। देह, देह का विस्तार किया, बाकी तीन का नहीं किया। संस्कार, स्वभाव और मन का झुकाव, ये भी बंधन है। पूरी मुरली दो शब्दों में है, बंधन संबंध, बंधन संबंध, बंधन संबंध। संबंध मुक्ति दिलाएगा, जीवन मुक्ति का अनुभव कराएगा, संबंध खेचातान, टेंशन, दुख, अशांति का अनुभव कराएगा। तो संबंध किससे, एक बाप से। ये संबंध जो है, और वो जो मोह का धागा है, रस्सी है और जंजीर है, उसको सेकंड में काटेगा। किसको, धागा, रस्सी और जंजीर, तीन शब्दों का प्रयोग है। धागा अर्थात पतला, रस्सी अर्थात बड़ी, बहुत सारे धागे मिलके रस्सी बन गई। पहले एक बार बात की तो रस्सी थी केवल, धागा था, पर रोज बातें करने लगे और रस्सी बन गई मोह की, और फिर जंजीरें बन गई, अभी छूटना मुश्किल। इसके लिए क्या करो, अब तक जो कुछ किया इस पूरे साल में, जनवरी से लेकर इस दिसंबर तक, इससे पहले कि नया साल चालू हो, रिव्यू करना है, उसको देखना है, कहीं गया गलती हुई, क्या पाप, क्या विकर्म, क्या पश्चाताप, कौन से डिस्टर्बेंसेस आए और वो कहां से आए और क्यों आए। तो ये है दूसरा। तीसरा, ब्लेसेड आर द मीक, फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। ये सबसे अच्छी बात कही है, धन्य है जो नम्र है, धन्य है जो नम्र है। स्वर्ग तो छोड़ो, पृथ्वी का ही राज्य उनका होगा। नम्रता को सबसे ऊंचा समझा गया है क्रिश्चियनिटी में। इवन प्यूरिटी के लिए कहा गया है कि उनको स्वर्ग का राज्य मिलेगा जो पवित्र है, पर जो नम्र है उनको तो यहीं पर वो राज्य है, यहीं पर हृदय सिंहासन पर वो राज करेंगे। आज की अव्यक्त वाणी, बाप की और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद और वरदान तुम्हें पाना है। क्या पाना है, बाप की आशीर्वाद और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद या वरदान, अभी पाना है। और जो मतलब से याद करते या याद नहीं करते, वो ना स्वयं संतुष्ट रह पाते, ना दूसरों से संतुष्टता का वरदान प्राप्त कर सकते, आशीर्वाद भी नहीं प्राप्त कर सकते।
Blessed are those who are meek. Who are meek. Meek arthat namra chitta jo hai. For they shall inherit the earth. Ve prithvi ke adhikari honge. Kitni badi baat hai. Prithvi ka hi rajya unka honga. Us satyug ka chodo. Swarg ka chodo. Wo to hoga hi. Par abhi wo rajya hai. Abhi wo adhikari hai. Ye. Agla. Blessed are they who do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Dhanya hai wo jo dharm ke bhuke aur pyaase hai, kyunki wo tript kiye jayenge. Jo righteousness ke liye, dharmikta ke liye, sushilta ke liye. Righteousness. Satyata ke liye, satchai ke liye jo pyaase hai aur bhuke hai. Aise jo honge, unka kya hoga? They shall be fulfilled, unhe tript kiya jayega. अगला है, blessed are the merciful for they shall obtain mercy. धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी. जो दयावान है, जो रहम दिल है. बाबा कहते हैं दूसरों पर दया करो, उनकी आवाज सुनो, भक्तों की आवाज, और उन पर रहम करो, उन पर दया करो, उन पर कृपा करो. तुम बड़े हो, तुम अधिकारी हो. खुद ही अपने लिए पुरुषार्थ करना बहुत अच्छी बात है. अमृत वेला आए, योग किया, सारे दिन भर अपनी सेवा की, शाम को योग किया, ये स्व के लिए कर रहे हैं. हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? विश्व के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारा विश्व के प्रति बहुत बड़ा दायित्व है. ब्लेसड आर द मर्सीफुल, इसलिए मर्सी और लव, इसका बड़ा महत्व है क्रिश्चियनिटी में. मर्सी, एक कहानी जीसस क्राइस्ट ने कहीं कही है बाइबल में. उसने कहा, एक मालिक है जिसका बहुत बड़ी बगीचा है. वो सुबह सुबह कुछ मजदूरों को काम में रखता है, मजदूर बागवानी करने के लिए या वो सब करने के लिए. और दोपहर में आके देखता है कि काम तो बहुत बचा है, तो कुछ मजदूरों को और लाता है, दोपहर में एक्स्ट्रा मजदूर रखता है. शाम को आता है, सांझ को आके देखता है कि काम तो और बहुत बड़ा है, और कुछ मजदूरों को रखता है. कुछ सुबह रखता है, कुछ दोपहर को रखता है, कुछ शाम को रखता है. और रात में जब वो हिसाब करने बैठता है पैसे देने के लिए, जैसे हमारे भाई बहने भी इधर बैठते हैं ना पैसे देने के लिए, तो सबको समान पैसे दे देता है. सुबह वालों को भी जो सुबह से काम कर रहे, दोपहर को भी जो दोपहर से काम कर रहे, और रात में अभी अभी जो आए थे शाम को, और काम कुछ ने तो किया भी नहीं, सबको इकट्ठा किया और बिलिंग और उनका पेमेंट वो सबको दे दिया समान. तो जो सुबह वाले आए थे बड़े नाराज हो गए. तो उसने पूछा, तुम नाराज क्यों हो, क्या तुम्हें कम पैसे मिले? वो कहते नहीं, पैसे जितने मिलने चाहिए उससे तो हमको दुगने मिल गए, पर हम नाराज इसलिए कि ये जो बाद में आए उनको भी उतने ही मिले इसलिए हम नाराज है. उनको तो कम मिलना चाहिए, नहीं उन्होंने तो कुछ काम भी नहीं किया, अभी अभी आए और हमारे इतना ही मिल रहा है उनको भी, ऐसे कैसे? तो वो मालिक कहता है, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुमने कम काम किया, तुमने ज्यादा काम किया, तुमने ये किया. मैं इसलिए दे रहा हूं कि मेरे पास है. मैं इसलिए दे रहा हूं कि देना मेरा स्वभाव है. मैं इसलिए दे रहा हूं कि मैं देव बिना रह नहीं सकता. मैं इसलिए दे रहा हूं. आई एम गिविंग बिकॉज आई एम फुल. तुम्हारा तो प्रश्न ही नहीं है, तुम खुश रहो ना, तुमको तो ज्यादा मिला ना, तुम दूसरों को क्यों देखते हो उसको कितना मिला. देना ही मेरा स्वभाव है. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. जो ऐसे दयावंत होंगे, जो ऐसे दयावान दयालु होंगे, कृपालु होंगे, रहमदिल होंगे, compassionate होंगे, उन्हीं पर compassion किया जाएगा. अगला है, blessed are the pure in heart, for they shall see God. ये सबसे बड़ा वाक्य है. जो पवित्र है, जो pure है, वही भगवान को देख सकेंगे. जिसमें purity नहीं, वो देख ही नहीं सकता उसको. ये ज्ञान बिना प्यूरिटी के समझा ही नहीं जा सकता, कोई कितना भी कहे. यह ज्ञान प्योर माइंड में ही बैठता है. जितना इंटेलेक्ट प्योर है, डिटैच्ड है, उतना ही ज्ञान की धारणा हो सकती है. ब्लेसड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी गॉड. ये सीइंग गॉड क्या है, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है. भगवान को देखना, भगवान को जानना, भगवान को पहचानना, भगवान को मानना, सुबह की सव्यक्त वाणी बिंदु के हिसाब को जानना,
बिंदु के हिसाब के को जानकर महान बनना, बिंदु समझना, बिंदु को याद करना, बिंदु देखना, बिंदु में सारे ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है, बिंदु में ज्ञान की सर्व प्राप्तियां समाई हुई है, ब्राह्मण जीवन की सारी प्राप्तियां बिंदु में समाई हुई है। ये वाक्य आज की मुरली में, बिंदु में ब्राह्मण जीवन की सारी प्राप्तियां समाई हुई है, रूहानी जीवन की, नए जीवन की रूहानी मौज मजा इस जीवन में बिंदु में समाया हुआ है। फॉर दे शैल सी द लॉर्ड। और सीइंग के लिए क्या चाहिए? स्वयं हमें वही बनना पड़ेगा जो वो है। बी प्योर इवन एज माई फादर दैट आर्ट इन हेवन इज प्योर। तुम वैसे ही पवित्र बनो जैसे मेरे पिता पवित्र है। जीसस क्राइस्ट कहीं और जॉन में कहता है कि जैसे वो प्योर है वैसे तुम भी प्योर बनो। बी ई स्पिरिट इवन एज माई फादर स्पिरिट। जैसे वो आत्मा है वैसे तुम भी स्वयं को आत्मा समझो तो ही उसको याद कर सकोगे, नहीं तो याद नहीं कर सकोगे। केवल चिल्लाने से कोई कुछ नहीं होगा, लॉर्ड 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 कहने से कुछ नहीं होगा, हे प्रभु हे प्रभु। तो ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, अर्थात धन्य है जो जिनका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी के प्रति नफरत नहीं, चाहे वो कौन हो, रावण, जरासन, सूर्पनखा, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कोई भी हो, शिशुपाल, जयद्रथ, कोई भी हो, कैसा भी हो, परंतु सबके प्रति रहम भाव, दया भाव। बहुत बड़े हृदय की आवश्यकता है इसके लिए, बहुत बड़ा हृदय, जो हमारे विरोध, जो हमारा विरोध करे, जो लोगों को हमारे विरुद्ध भड़काए। अभी बहन कह रही थी न्यू माइंड और ओल्ड माइंड। न्यू माइंड अर्थात नया माइंडसेट, ओल्ड माइंड अर्थात पुराना माइंडसेट। तो प्यूरिटी इन हार्ट, इस प्यूरिटी को बढ़ाना है, और उसकी भी विधि है वही है बिंदु समझना। जितना जितना आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे अपने आप प्यूरिटी आती जाएगी। आज कहा ना मुरली में, एक शून्य लगा तो 100 और लगाओ तो 1000, बिंदु लगाते जाओ बढ़ते जाएगा, उन्नति होती जाएगी। दिन में कितनी बार बिंदु लगा रहे उतनी कमाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जो कल बता रहे थे हम विदेश में जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, हर घंटे में 10 मिनट विश्व को सकाश, हर घंटे में 10 मिनट्स, और विधि है बिंदु बन जाओ, अपने आप सकाश फैलना चालू। अगला है ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। धन्य है जो वो पीस मेकर है, शांति स्थापन करने वाले, उन्हें ही परमात्मा संतान, परमात्मा औलाद कहा जाएगा, जो कि शांति स्थापन करते, पीस ब्रेकर नहीं, पीस मेकर, लॉ मेकर, लॉ आशीष भाई ब्रेकर नहीं, पीस मेकर अर्थात पीस स्थापन करने वाले। और पीस स्थापन करने की विधि क्या है? स्वयं शांत स्वरूप में स्थित हो जाना। उसकी विधि क्या है? स्वयं आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, अर्थात बिंदु। आज भाग्य विधाता भाग बाप भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं, और भाग्यवान कौन है? जो बिंदु के हिसाब को जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, जो बिंदु में स्थित है, बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। कितना अच्छा वाक्य है मुरली में, बिंदु में ज्ञान का सारा सिंधु समाया हुआ है। एक तो है ज्ञान का विस्तार, पर योग ऐसा है कि योग में स्थित हो जाओ सारा ज्ञान वहां आ जाता है अपने आप। आज ये लास्ट लेंगे 10, ऐसे 109 है, तो हर दिन 6-6, तो 16 दिन, 16 पार्ट्स, ठीक है। लास्ट है, धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हों का है। ब्लेसेड आर विच आर परसिक्यूटेड फॉर राइटियसनेस सेक फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। जो यहां पर सताए जाते हैं, तुमको सताया जाएगा। जीसस ने कहा है जैसे मुझे सूली पर चढ़ाया तुमको भी चढ़ाएंगे, जैसे ये लोगों ने मुझ पर पत्थर फेंके तुम पर भी फेंकेंगे, जैसे मेरा विरोध हुआ तुम्हारा भी विरोध हुआ। वो अपने शिष्यों से बात कर रहा है, कहां पर बैठकर? उस पहाड़ी पर बैठकर बात करता है,
सब कुछ वो पहले ही बता देता है, मेरे साथ ऐसे ऐसे होने वाला है, पर घबराना मत, डरना मत, मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे वो लोग मारेंगे, तुमको भी पकड़ेंगे मेरे जाने के बाद। और जीसस के जितने शिष्य थे उनको भी अलग अलग जगह पर पकड़ा और वैसे ही सूली पर चढ़ाया। यहां क्या कह रहे हैं, पर धन्य है तुम कि यदि तुम्हारे साथ ऐसा हो तो, क्योंकि राइटियसनेस सेक, धर्म के लिए, सत्य के लिए तुम लड़े और सत्य के लिए तुम मरे, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए घबराओ नहीं, इसके लिए जैसा यहां कहता है वैसा ही इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर को अगर देखा जाए, बहुत कुछ सहन करना पड़ा उनको, बहुत कुछ सहन करना पड़ा। इस्लाम की जो स्थापना का काल है, इतने अत्याचार हुए, इतने अत्याचार हुए, कर्बला का युद्ध और वो सारों में बहुत उन्होंने सहन किया। अभी उसका जो रूप है वो थोड़ा अलग है, शायद उसका जो वास्तविक रूप है कितना लोगों ने उसको समझा है पता नहीं, बट इस्लाम इज एंटी टेररिज्म। अमन और शांति का वो धर्म है, सारे धर्म ऐसे ही थे पहले, पर धीरे धीरे धीरे, जैसे बाबा कहते हर धर्म क्या हुआ, अलग अलग स्टेजेस से गुजरा, सब धर्म उस स्टेजेस से गुजरे हैं। तो ब्लेसेड आर विच आर परसिक्यूटेड फॉर राइटियसनेस सेक, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य उनका होगा जो मेरे लिए यहां सहन करेंगे। सबसे ज्यादा ग्लानी किसकी हुई मुरलियों में, शिव बाबा की, दूसरा नंबर ब्रह्मा की, तीसरा नंबर किसकी हुई श्री कृष्ण की, तो ये मुरलियों में आता है। तो हर धर्म में हम देखें तो भगवान का जो प्योर ज्ञान जो संगम पर दिया हुआ था उसके ही अंश मिलेंगे यहां वहां, टुकड़े 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 टुकड़े, संपूर्ण ज्ञान यहां है। जो साइलेंस, कई लोग कहते हैं वो जो विपाश्यना है ना, उसमें ना 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, 10 दिन फुल साइलेंस, बुद्धिस्टिक साइलेंस, पर वो भी साइलेंस का बीज इस बीज से निकला है संगम के। यहां पर जो साइलेंस की हमको ट्रेनिंग दी गई है उसी से वो साइलेंस का बीज वहां पर, क्योंकि द्वापर से जितने धर्म बने, जितनी साधनाएं की लोगों ने, उन सब का बीज क्या है, संगम की साधना, संगम में ही सब कुछ पाया उन्होंने, वही उसकी यादें हमें ही थी वहां पर, और हमने ही वो सारे धर्म की विधियां बताई और योग की विधियां वहां सुनाई बताई की। तो जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। तो ये हमारा ब्राह्मण जीवन भी कैसा है, एक यात्रा है, और इस यात्रा में बहुत सारी बातें आएगी, डैशिंग टू थ्रू द स्नो, टक्कर खाएंगे किसी से, परंतु उसमें भी क्या रहना है, खुश। ओ व्हाट फन इट इज टू लाफ, उसमें भी लाफिंग, उसमें भी खुशी, उसमें भी आनंद, क्योंकि जीवन की ये सारी चीजें जो रुकावटें आ रही है वो सब क्या है, ये चराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है, ये जो भी हाथ से डगर जो भी आ रहे, ये एक एक मुझे सिखा रहा है कुछ। तो इस पूरे साल में जितने हादसे हुए, इस पूरे साल में जितनी दुर्घटनाएं हुई, इस पूरे साल में जितने पाप विकर्म, इस पूरे साल में जो कुछ अनुभव हुए, इस पूरे साल में जो कुछ हमारे साथ हुए, किस तरह के संबंध रहे, किस तरह के डिस्टर्बेंसेस रहे संबंधों में, उन सबको साक्षी होकर देखना और उनसे सीखना। ये नहीं अपने आप को दोषी ठहराना कि मेरे से ये नहीं होना चाहिए था, जो हुआ वो हुआ, अब उसको बदला नहीं जा सकता है, दूध गिर गया है जमीन पर, अब क्या करोगे उसका तो पूरा तो वापस बर्तन में नहीं आ सकता ना, जो हो गया वो होगा। बिंदु का एक अर्थ बाबा ने आज सारे अर्थ बताए, वो एक छोड़कर बिंदु लगाने वाला उसकी आज की मुरली में चर्चा नहीं है, जो हमेशा आती है कि बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, जो हुआ वो अच्छा हुआ, उसको अभी फुल स्टॉप लगा दो, वो भी अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही है ड्रामा में, जो कुछ हुआ वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कितना सिखाया, अगर वो नहीं होता तो हम सीखते हैं क्या, सीखते, वो हुआ इसलिए तो सीखे, वो हुआ इसलिए तो थोड़ा अनुभव बढ़ा, अब अपने अनुभव से दूसरों को सिखाओ। तो कल तो बाबा मिलन का दिन है, आज से उसकी तैयारी करनी है, और जैसे कहा पूरे साल को बार बार देखना है क्या क्या हुआ क्या क्या किया, और नए साल के लिए हर बार तो हम संकल्प करते हैं, इस बार संगठित कोई संकल्प नहीं दे रहे, हर एक अपने जीवन में क्या संकल्प करना है
वो खुद सोचे स्वयं चिंतन करके और एक तारीख से फिर क्या करे वो आप बताएंगे। 18 दिन का कोई पुरुषार्थ विशेष? आशीष भाई, निखिलेश भाई, 18 दिन क्या किया जाए? हेमलता बहन, विठल भाई, मौन मौन का पुरुषार्थ, वो सबसे अच्छा पुरुषार्थ और सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, साइलेंस रिट्रीट। हाँ, इस अगर इसमें आप चाहते हैं कि फुल आराम हो तो वो भी कर सकते हैं, या सब बोलना चाहे तो वो भी बोल सकते हैं, दोनों चीज है। हाँ, तो हमने ये सोचा था कि वो जो शांति स्तंभ है उसमें 18 अभिलेख है, 18 बातें लिखी हुई है, 6 बातें सामने, 6 बातें पीछे, 6 बातें, 3 बातें दाएं, 6 3 बातें बाएं, टोटल 18 चीजें। एक एक दिन एक एक बात को लेकर उसी पर योग का प्रयोग करें 18 दिन, और 19 तारीख में फिर ये पूरा करना है 16। ये पहला था। इस 2019 का जो साल होगा इसके लिए हमें देखना है कि इस साल जो हमारी स्थिति थी उससे आने वाली साल हमारी स्थिति कई गुना आगे चली जाए, सूक्ष्म पुरुषार्थ बढ़ जाए, चिंतन बढ़ जाए, मनन बढ़ जाए, आंतरिक शक्तियां बढ़ जाए और अनुभव जो है योग के वो बढ़ जाए। इन सब का लक्ष्य रखना है। तो आज से सारे दिन भर इसके विषय में सोचना है कि क्या हमको करना है, और यदि किसी को नई आइडिया कुछ आती है तो कल यहां पर आप बताएंगे तो उसको भी हम उसमें करने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो ये सोचा है, अगर किसी के पास अच्छी नई आइडिया है तो ये 18 अभिलेख का छोड़कर उसको करेंगे, अभी तक पूरा फाइनल हुआ नहीं है। अच्छा, ओम शांति। Yeah.